जानना चाहूँगा कि जो हमारे अभी किसान भाई बहुत सारे सीमेंट यूज़ करते हैं, उनकी एक शिकायत ये रहती है या उनको शायद पूरी जानकारी नहीं है कि सेक्स सीमेंट की मात्रा यूज़ करने से कितना प्रतिशत बछड़ी होने की चांसेस है। पहले क्या था, आज जो कंपनी है ABS क्या कहती है कि किसानों को कितना फ़ायदा हो सकता है। और बहुत बार ये होता है कि किसान एक स्ट्रॉ यूज़ कर लेता है और उसके यहाँ पे एक मेल आ जाता है, फिर उसे लगता है कि भाई ये तो टेक्नोलॉजी से उन्होंने जो लिया है उससे उतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को देखते हो और किसानों को अगर इससे अच्छा फ़ायदा लेना है तो किस तरह से ले सकते हैं? ये बात बहुत अच्छा प्रश्न है और ये डेफिनेटली किसान भाइयों के दिमाग में ये शंका रहती है। उसमें आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तकनीक कोई भी हो, चाहे वो हमारी तकनीक है या दूसरी कंपनी की तकनीक है, पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी जो प्रतिशत है मादा पशु प्राप्त होने का इस सीमन के माध्यम से वो 90% है। 90% इसका मतलब है अगर कोई 10 स्ट्रॉ लगाता है और 10 गाय अगर वो गाभिन रखती है तो उसमें से 9 इसमें आने की संभावना है। जी हाँ, बल्कि मैं इसको दूसरे तरीके से और कहता हूँ, इसको आप 10 और 9 में मत देखिए, इसको आप ऐसा मानिए कि अगर 100 बछिया इस 100 मिलते हैं, ऑफस्प्रिंग मिलते हैं इस तकनीक से, तो उसमें से 90 बिल्कुल मादा होंगे लेकिन 10 के नर होने की संभावना बिल्कुल बनी हुई। ये तकनीक इसी तरीके से बनाई गई है। तो अगर किसी किसान भाई ने सेक्सीमन लगाया और एक बछड़ा आ गया तो हतोत्साहित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप विश्वास रखिए, तकनीक बिल्कुल कारगर है, हिंदुस्तान में भी उतनी कारगर है जितनी पूरे दुनिया में कारगर है और बहुत सारे किसान इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर ये तकनीक ठीक ना होती तो पिछले 6 साल में जो भी किसान भाइयों ने इसको लगाया है या जो जिस मात्रा में इस सीमन का उपयोग किया है वो कभी नहीं हो सकता था।